बच्चों, आप में से कुछ लोग अंग्रेजी भाषा को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए ये भाषा बिल्कुल नई है। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी भाषा की कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगी। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए अक्षरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन अक्षरों को मिला के ही हम शब्द का रूप देते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और ये इकलौती एक ऐसी भाषा है जिसमें अल्फाबेट्स दो तरह से होते हैं। एक तो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, जिसे हम लेटर्स भी कहते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, और स्मॉल लेटर्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स को एक समय में ही लिख लेना बहुत बड़ी कला है। आप लोग देखेंगे ये सारे कैपिटल में लिखे हुए अल्फाबेट्स हैं। आज हम आप लोगों को ए टू एम लिखना सिखाएंगे। कुछ बच्चों के लिए ये बहुत आसान सी बात होगी कि हम तो लिख चुके हैं, मगर मैं आप लोगों को सही तरीके से इन अक्षरों का लिखना सिखाऊंगी। बेटा, मैं चाहती हूं कि आप लोग इनको जोर से एक बार पढ़ के सुनाएं, ठीक है? ए, वेरी गुड। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मैं एक चीज बोलूंगी, ये क्यों नहीं है, ये क्यू है। क्या है? क्यू। बोलो क्यू। क्यू। वेरी गुड। ये तो रहे हमारे 26 कैपिटल लेटर्स। इनको मैं आपको यहां से लेके ए से लेके एम तक लिखना सिखाऊंगी सही ढंग से। अंग्रेजी भाषा की एक और खासियत है, जो सीखना चाहते हैं, खासकर जो बच्चे अभी नया नया सीख रहे हैं, उनके लिए अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, चार लाइनों का प्रयोग, यूजेज ऑफ फोर लाइन्स। आप सोचेंगे बड़े लोग तो फोर लाइन्स में नहीं लिखते हैं, बड़े लोग फोर लाइन्स में लिखते हैं, मम्मी पापा लिखते हैं, नहीं, वो टू लाइन्स में ही यूज कर लेते हैं। मगर जब हम किसी भी अक्षर को, अल्फाबेट को सीखना चाहते हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये पता हो कि किसी भी अक्षर की डंडी कितनी ऊंची ले जानी है, नीची ले जानी है, तभी तो आप साफ से लिख पाओगे। आप लोगों में से सभी बच्चों के पास इस तरह के फोर लाइन पेपर्स होंगे घर पे। अगर आपके पास हैं, तो आप इनको लेके बैठिए और जैसे मैं इस बड़े से पेपर पे पहले एक दो चार शब्द अक्षर लिख के दिखाऊंगी, उनको प्रैक्टिस कीजिए। फिर इन बच्चों को भी मैं ये पेपर दूंगी, ये भी आपके साथ साथ लिखेंगे। आज एक और बात ये है, मैं बताना चाहती हूं कि हम आपको कैपिटल लेटर्स ही सिखा रहे हैं, ए टू एम। अगली बार एन से लेके जेड तक सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको स्मॉल लेटर्स की फॉर्मेशन सिखाएंगे। कैपिटल लेटर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, वो ये कि लाइनें भले फोर यूज होती हों, भले चार लाइनों का प्रयोग होता हो, मगर आप ध्यान से देखना कि जो ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये तीन लाइनों में ही यूज होंगे। जो चौथी लाइन है वो रहती है नीटनेस के लिए, सफाई को दर्शाने के लिए, ठीक है? हम सबसे पहले ए लिख के दिखाएं। ए हम जब यहां से बनाना शुरू करते हैं, यहां से थर्ड लाइन तक लेके जाएंगे, तीसरी लाइन तक, फिर ये वाली यहां से टेढ़ी, इसको हम स्लैंटिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है? और ये बीच वाली लाइन में ये ऐसे कर दिया। सुंदर लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके, नाउ बी, इसको लिया हमने यू, आपको पता चल गया, एक लाइन बनाई स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे करके एक गोल और ऐसे एक गोल। जो तीन लाइन है यहां तक का हम यूज कर रहे हैं, पहली लाइन को यूज कर रहे हैं, सेकेंड वाली को भी, थर्ड वाली को भी, और फोर्थ वाली लाइन जो है वो हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे आपका सारा जितना भी काम है एक लाइन से आता जाएगा और खूब सफाई होगी, ठीक है? साफ साफ लिखना चाहते हैं ना? चलो हम जल्दी से आपको लिख के ये वाले दिखाते हैं शब्द, सी डी। अब देखो ई को क्यों हम लिखते हैं, ये लाइन देखो, यहां से ये नीचे वाले इतना बड़ा,
और बीच वाला जो है उसको छोटा रखते हैं। देखा, जब मैं ये वाले पेपर्स दूंगी तो इसमें ऐसे ही करके मुझे दिखाना। F को ये बड़ा, ये छोटा। G यहां, ये हम लाइंस का जब यूज करते हैं, जो आप सीख रहे हो ना, क्योंकि तो आप नीट काम कर सकते हो, साफ साफ काम करके दिखाओगे। H ना देखो, अगर ये लाइंस नहीं हो तो उल्टा पुल्टा भी हो सकता है काम, गड़बड़। ये लाइंस की वजह से एकदम सीधा सीधा काम, यहां से यहां तक आपने टच किया। I देखा, लाइंस की वजह से इजी हो जाता है ना। चल, इसमें सारे अक्षर तो आएंगे नहीं। J K, देखो K को देखो, यहां से लिया, यहां से लिया, कितना इजी हो गया ना, बनाना इजी हो गया। चल, अब मैं आप लोगों को ये वाली शीट्स में सिखाऊंगी। चलिए, आप भी लीजिए ये, और आप भी। अब मैं यहां बोर्ड के ऊपर एक अक्षर को एक लाइन में लिखेंगे। जैसे पहले, सबसे पहले अक्षर कौन सा होता है? ए। ए, वेरी गुड। स्लैंट लाइन कहते हैं इसको। साइड्स में दोनों लाइन बनाई, टॉप वाली लाइन से ज्वाइन किया, बीच की लाइन में ऐसे, ये ए, ठीक है? ऐसे ही देख के आपको लिखना है। अगर हम बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करते जाएं तो अपने आप हमें वो चीजें आ जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्रैक्टिस करना। ये ए, इसको प्रैक्टिस करके जाइए, पूरा आपका लाइन भर जाए। अब हम नेक्स्ट जो है अक्षर बी, नेक्स्ट अक्षर क्या है? बी। बी, वेरी गुड। देखो बी, ऐसे इसके नीचे लिखेंगे बी। हम बहुत मोटा सा बड़ा सा नहीं लिखेंगे, अच्छा सा सुंदर सा, जैसा मैम लिख रही है वैसा लिखेंगे। बी, बार बार मैं यही चीज आपसे कहूंगी बेटा, जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इसको लिखेंगे, उतनी सुंदर आपकी लिखावट होती जाएगी और आपको रूल्स पता चलेंगे। अब आप देखो, जो नीचे वाली लाल लाइन है उसमें किसी चीज में मैंने टच किया? नहीं किया ना। तीसरी लाइन तक में हमने टच किया। नेक्स्ट लेटर क्या है? सी। सी, वेरी गुड। सी, ये भी यहां से शुरू होके यहां, सी। ये हम कौन से वाले लेटर्स लिख रहे हैं? कैपिटल लेटर्स की स्मॉल लेटर्स कौन से? कैपिटल लेटर्स। सी, सी। अब नेक्स्ट क्या होता है? डी। डी, डी। लंबी सी लाइन बनाई और ये देखो डी। जब आप यहां बनाओगे ना, इस लाइन के थोड़ा सा बाहर लाना है। ऊपर वाली लाइन को टच किया, थर्ड लाइन को टच किया, चौथी वाली लाइन में टच कर रही है मैम? नहीं ना। हाँ, डी। डी, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी सुंदर लिखावट हो जाएगी। नेक्स्ट ई। ई, ई में क्या करना है? एक लंबी सी लाइन, तीसरी लाइन में ऐसे, फर्स्ट लाइन में ऐसे, और बीच की लाइन बराबर होगी, थोड़ी सी छोटी रखना, सो सुंदर लगेगा। ये देखो, ये ई फॉर क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट। वेरी गुड। एलिफेंट किसने किसने देखा है? सब दोनों ने देखा है, वेरी गुड। अब घर में सुंदर से इसको प्रैक्टिस करके हमको दिखाना। और आप भी बच्चों, जितने लोग इसको सीख रहे हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मेक्स इट मैन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा काम सीखेंगे। नेक्स्ट एफ। लंबी सी लाइन गई, ई के जैसे ही है ना, मिलता हुआ है, फिर ऊपर ये तीसरी लाइन नहीं होती है इसमें, तीसरी लाइन नहीं होती ना, वेरी गुड। तीसरी लाइन नहीं होती है,
एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर फिश, फिश भी होता है और फैन, फैन भी होता है, वेरी गुड। और भी कुछ होता है एफ फॉर? और कुछ नहीं होता। और हम लोग का नेशनल फ्लैग एफ फॉर फ्लैग भी तो होता है, झंडा। देखा तो सुंदर सुंदर लिखेंगे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट जी, जी जी, ये भी ऊपर से जाएगा जैसे सी बनाते हैं ना, लेकिन इसमें ऊपर ले जाके यहाँ ये देखो सी की तरह बनाया, फिर ऊपर एक डंडी लेके गए और मोड़ दी। जी फॉर गन, जी फॉर गन, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा बच्चा है। जी फॉर गन, गन बिल्कुल सी के जैसा, सी जैसा बनाया और पर ले गए छोड़ दिया, है ना? इजी है, आसान है, आसान है कि डिफिकल्ट है? बहुत बहुत मुश्किल है। चलो गुड, नेक्स्ट एच, वेरी गुड। ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या किया, यहाँ से थर्ड लाइन तक लेके गए, यहाँ भी ऐसे लेके गए और ये तो स्मार्ट सा लग रहा है ना। देखो एच माने हैन, एच फॉर हैन, वेरी गुड। और एच फॉर एक और चीज होती है जिसमें आप रहते हो, हाउस, वेरी गुड। एच फॉर हाउस, और सर पे भी पहनते हो। एच फॉर हैट, हैट होती है ना टोपी जैसी। देखो इसको लिखना बेटा बहुत आसान है, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है, नियमों का पालन करना है। देखो कोई भी लाइन के नीचे हमने नहीं बाहर किया, लाइन के बाहर गई नहीं, नहीं गई ना। सुंदर नीट नीट लग रहा है, हमको वेरी गुड मिलेगा, वेरी गुड। जी एच, उसके बाद आई, बहुत इजी है। एक ये आई फॉर इंक पॉट, वेरी गुड। ये देखो आई Import. और आई फॉर और क्या होता है? इंडिया, इंडिया, इंडिया तो होता है। और एक चीज जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम, वेरी गुड। आई फॉर आइसक्रीम। देखो ये अभी तक आपको मालूम है ना, छोटी छोटी चीजें आपको मालूम है, इनको लिखना सीखो तो आपको और ज्ञान आ जाएगा अंग्रेजी के। आई, आई, अब आई के बाद नेक्स्ट जे, जे, ओके, जे के यहाँ जे, जे कितना इजी है, ऐसे लेके गए यहां से, ये लाइन में यहां मोड़ा, जे सब सुंदर सा भी हम देखेंगे सबका लिखा हुआ। और जितनी प्रैक्टिस घर में करोगे उतनी सुंदर लिखावट हो जाएगी, और हमेशा फोर लाइंस में प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट काइट, के, वेरी गुड। तुमको पतंग उड़ाना बहुत अच्छी लगती है? नहीं, नहीं। लेकिन तुमको के फॉर काइट तो मालूम है। ये देखो यहाँ किया के, कितना इजी है ना के। ये देखो सिर्फ बेटा ध्यान रखना कि ये लाइनों का, आप लाइन के अगर बाहर ले जाओगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर लाइन के बाहर ले जाओगे तो कितना गंदा लगेगा। ये देखो के बाद एल, एल फॉर लायन, लायन, एल फॉर लायन, एल। ये भी बहुत इजी है ना, सीधे लाइन थर्ड लाइन में मोड़ दिया। एल, एल फॉर ऑल क्या और क्या होता है? एल फॉर और कुछ होता है? लाइंस, लाइंस, वेरी गुड। एल फॉर लाइंस, ये सब लाइंस है, वेरी गुड। और एल के बाद एम, वेरी गुड। हम लोग का जो 13th अल्फाबेट है वो क्या है? एम, एम माने मैन, एम फॉर मैन, मैन, ओके। नाउ इसको देखो बेटा, अगर सुंदर सा बनाना है तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन आपने यहां तक ले गए, ये जो नीचे स्लैंटिंग लाइन लाओगे ये इस लाइन को टच करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर तक ही ले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे, मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाला ऐसे कभी मत लिखना, ऐसे करेंगे, ये यहां ले जाएंगे और इसको यहां पर ही टांग देंगे। ये सुंदर लग रहा है, ये नहीं लग रहा है ना सुंदर, ये सुंदर लग रहा है,
इसकी ये चीज क्यों हो जाएगी, गलत है, ये सही तरीका है, ठीक है। एम यहां से यहां, इसमें क्या बहुत मेहनत करना पड़ती है? नहीं, नहीं ना, बस आपको ध्यान रखना है और जल्दी में कभी नहीं करना है। कोई भी काम जो भी आप करें उसको अगर जल्दीबाजी में ना करें तो बहुत सुंदर सा और बहुत नीच काम होता है। ऐसे ऐसे अब लिख के हमको दिखाना है। आपको जो भी चीजें सिखाई गई हैं वो हमेशा याद रहे, तो इन चार लाइन के पेपरों का हमेशा प्रयोग करें। ये फोर लाइंस जो है देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, इन पे लिखी हुई चीजें उससे ज्यादा सुंदर होती हैं। कभी भी आप ये ना करिए कि जब आप सीख रहे हो किसी भी चीज को, किसी भी भाषा को, उसके नियमों का पालन करें। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी अक्षरों को सही तरीके से नहीं सीख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फोर लाइन्स।